हरलाखी थाना क्षेत्र के दुर्गापट्टी गांव में बीते 1 अप्रैल को सड़क दुर्घटना में हुई एक ग्रामीण की मौत को लेकर मृतक के परिजनों व आक्रोशित ग्रामीणों ने घटना स्थल पर ही NH 104 सड़क को जाम कर आगजनी की और पुलिस प्रशासन के विरोध में जमकर नारेबाजी भी की। दरअसल मामले में उचित कार्रवाई नहीं होने व मुआवजे की पहल नहीं किए जाने का आरोप लगाकर ग्रामीणों ने घटना के 25 दिन बाद सड़क जाम कर अपना विरोध जताया है। ग्रामीणों का कहना है कि नशे में धुत कार सवार ने उक्त गांव के ही सड़क किनारे बाइक के पास खड़े ग्रामीण विमल प्रसाद सिंह को जोरदार ठोकर मार दी, जिससे 1 सप्ताह बाद इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई। हालांकि ग्रामीणों ने कार का पीछा करते हुए उन गांव में 2 कार सवार को पकड़ लिया और शाम में वार्ता के बाद पुलिस के हवाले कर दिया। वहीं कार में सवार अन्य लोग मौके से फरार हो गए, जबकि कार में 5 लोग सवार थे। ग्रामीणों का कहना है कि घटना के दिन पुलिस प्रशासन ने जिस तरह कार्रवाई का आश्वासन दिया था, उस अनुरूप कार्रवाई नहीं हुई। इन मुद्दों सहित 7 सूत्रीय मांगों के लेकर राष्ट्रीय दलित आंदोलन के जिला अध्यक्ष मोहन राम द्वारा हरलाखी प्रखंड कार्यालय उमगांव में 4 दिनों से अनिश्चितकालीन अनशन जारी है। अनशनकारियों से वार्ता को लेकर अब तक कोई भी पदाधिकारी पहल नहीं कर सके हैं। अनशनकारियों की तबीयत भी बिगड़ने लगी है, जिससे आक्रोशित ग्रामीणों ने आज दुर्गापट्टी में उक्त मामले को लेकर NH सड़क जाम कर दिया। सड़क जाम की सूचना मिलते ही CO सौरभ कुमार, हरलाखी थाना अध्यक्ष अनुज कुमार, खिरर थाना अध्यक्ष अंजेश कुमार दलबल के साथ जाम स्थल पर पहुंचकर ग्रामीणों से वार्ता किए। काफी मशक्कत के बाद ग्रामीणों को समझा बुझाकर 4 बजे वार्ता कर सड़क जाम खाली कराया गया। थाना अध्यक्ष अनुज कुमार ने ग्रामीणों से कहा कि इस केस में पुलिस ने बेशक न्यायोचित कार्रवाई की है और पूरी तरह पुलिस पर उन्हें भरोसा रखना होगा। पीड़ित परिवार को मुआवजा मिलना चाहिए और मुआवजा मिलने के अभी तक जो है सो प्रशासन में अभी तक प्रशासन नहीं जगा है, सोया हुआ है। जो मृत हुए हुए करीब 22-23 दिन हो गया, 25 दिन हो गया, लेकिन अभी तक पुलिस प्रशासन जो है सो सुरक्षा देने का काम करता है, माने जो क्रिमिनल को। क्या आश्वासन दिया गया था प्रशासन की ओर से आपको? आश्वासन मिला था कि जो है सो इनको जो उचित मुआवजा है, जो सरकारी सेवा के तहत जो इसका मुआवजा तय किया गया है 5 लाख रुपया, वो हम लोग आपको दिलाएंगे, लेकिन प्रशासन अभी तक सोया हुआ है। अनशन भी जारी है हम लोगों का। के पास कोई आया अभी तक कोई नहीं आया है, केवल डॉक्टर आता है, उसका वेट टेस्ट करके अपना चला जाता है। अच्छा, घटनाक्रम के बारे में तो हम लोग जान रहे हैं, आगे जो है प्रशासन से या जो प्रशासन उसको पीड़ित परिवार को अभी तक दिलासा करने तक नहीं आया है। क्या हुआ है प्रशासन अभी तक लिख करके कोर्ट को, न्यायालय को भी नहीं दिया है कि यहाँ मर्डर हुआ है दुर्गापट्टी में, इससे बढ़ के क्या हो? घटना स्थल पर जी बोलिए SDO भी आया था, ब्लॉक से CO भी आया था, लेकिन वो अभी CO आए थे, अभी तक कोई हम लोगों को कोई सहारा नहीं मिल रहा है। जैसा कि हम लोग को मालूम हुआ था कि प्रशासन की ओर से आश्वासन भी दिया गया था, आश्वासन दिया गया था सरकारी सुविधा से मिलेगा जी, लेकिन अभी तक कोई नहीं, कुछ नहीं मिला। तो मुआवजे के लिए कोई पहल नहीं की गई? कोई पहल नहीं। तो अभी आप लोग क्या मांग, तत्काल आप लोग की मांग क्या है? हमको मुआवजा मिले, मुआवजा पीड़ित परिवार को मुआवजा मिले, नौकरी मिले, लड़की का शादी, पहले न्याय मालूम। हाँ हाँ, वो भी बात बताइए जो आप कह रहे थे कि लड़की की शादी भी है। लड़की की शादी 2 तारीख है जी जी, अगले महीने हुआ था, उससे पहले उस पर भी कोई सुनवाई नहीं, उस पर भी कोई सुनवाई नहीं हुआ। कहने से कम चला नहीं, ठीक है ठीक है, क्या करें, होगा पत्नी के कमा करके खिए थे, घर में अकेला कमाने वाला था वो। हाँ, अकेला नहीं था, अकेले कमाए वाला, उसका बाल बच्चा के लड़की के शादी कौन करेगा? क्या को लड़की छलिए? एक के वो लड़की 2 तारीख के शादी है, अब ओकर कौन शादी करेगा? उसे अनशन पर बैठे हुए हैं, बताइए। अभी तक देखिए किसी के द्वारा कोई पहल नहीं किया गया है। ये थाना प्रभारी और बेनीपट्टी DSP जो है तो अपने एक रिश्तेदार को बचाने के चक्कर में ये सारा खेला खेल रहे हैं, ठीक है। और हम लोग को जो है यहाँ 5 दिन हो गया बैठे बैठे, लेकिन तो कोई देखने वाला नहीं है। वो जानता है कि अनुसूचित जाति का नेता है, अनुसूचित जाति का नेता आगे नहीं बढ़े, हमारे समाज को आवाज अनलीगल तरीके से दबाया जा रहा है, इसलिए अभी तो कोई जरूरी नहीं समझा के एक बार जाके बात करे। लेकिन फिर भी हम कहते हैं DSP साहब, हम लोग ऐसी समाज के नेतृत्व करता है, हम यदि जवान दिए हैं तो हम अंतिम सांस तक लड़ेंगे, हम छोड़ने वाले नहीं है, ईंट से ईंट बजवा देंगे, यहाँ पे ध्यान रखिएगा इस बात को। आज 5 दिन हो गया, हम मरने को तैयार है, लेकिन आप एक बार दिग्विजय करने वाले नहीं है। हम चाहते हैं कि एक बार यहाँ करके
आप देखिए और थाना प्रभारी थाना में बैठ के क्या कर रहे हैं, आप लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग को सारा बात पता है। अब हमारा समाज आक्रोशित हो रहा है, हमारे कंट्रोल से बाहर हो रहा है, यदि किसी तरह की विधि व्यवस्था बिगड़ती है तो इसका जिम्मेवार आप लोग होइएगा, हमारी कोई जवाबदेही नहीं होगी। इस बारे में कुछ पता है किस तरह का स्वास्थ्य है आपका अभी फिलहाल जी, कैसा स्थिति है? स्थिति काफी दयनीय है, आप देख रहे हैं कि आज 4 दिन में जो है तो 10 किलो वेट मेरा कम हो चुका है, बीपी काफी लो हो गया है, मेरा पल्स रेट 70 से नीचे हो गया है। उधर डॉक्टर साहब बोल रहे थे कि सलाइन देखिए अभी आपके सामने गाड़ी आ रही है, सलाइन चढ़ाने के लिए हमको बार बार कह रहे हैं, लेकिन हम सलाइन चढ़ाने वाले नहीं, हम सलाइन नहीं चढ़ाएंगे यहाँ, सलाइन चढ़ाने के लिए हम यहाँ अधिक करने के लिए हैं, हम लोगों के इंसाफ के लिए यहाँ लड़ने के लिए हैं, और लोगों को जब तक सारे इंसाफ नहीं मिल जाता तब तक यहाँ आंसर पे बैठे रहे। होश में आवे और नहीं तो हम लोग पूरा हरलाखी प्रखंड में चप्पा चप्पा रोड NH जाम करके और हरलाखी के प्रशासन को दिखा देंगे कि दलित और महादलित और हरिजन में क्या क्या है ज्वालामुखी। अगर वो देखना चाहता है तो याद करें हरलाखी का प्रशासन महादेव, हम उनसे कहना चाहते हैं ये दलित महादलित को साथ जो आप शोषण अत्याचारी भ्रष्टाचारी कर रहे हम सनकारी को नहीं सुनते हैं, इसका इंजाम अगर किसी को हुआ तो आप होगा। मैं आपको बड़ी अपराधकारी प्रशासन से कहना चाहते हैं, दलित का बेटा कभी गलत आवाज नहीं उठाता है, जब भी आवाज उठाता है हरलाखी में तो न्याय के खिलाफ लड़ता है और जांच बोलने की बात करता है, जांच की लड़ाई लड़ता है।